नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 5 व 6, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आप कल भारत के नगर नगर और गांव गांव में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए मिलेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही कठिन और लंबा संघर्ष या कितना ही बड़ा त्याग करना पड़े। विराम। हम राष्ट्र की दृढ़ता और अखंडता के लिए दृढ़ निश्चय से काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे। विराम। हमने प्रतिज्ञा करने के लिए 2 अक्टूबर का यह दिन विशेष रूप से क्यों चुना है? विराम। हमें एकता की प्रतिज्ञा करने की भी क्या आवश्यकता है? एकता तो प्राकृतिक है, जो कि किसी राष्ट्र के लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की संकल्पना ही बताती है कि लोग एक साथ होते हैं, उनमें अनेक साझी विशेषताएं होती हैं, लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और उसे बनाए रखते हैं, और वे समझते हैं कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और उन्नति में ही उनकी उन्नति है। विराम। यदि किसी देश के लोगों में एकता नहीं है तो वह देश बर्बाद हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, वह अपने सामने के खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। पैरा। हमने कल का दिन इसलिए नहीं चुना है कि इस दिन हम अपनी सफलता की खुशी मनाते हैं। सफलता की खुशी मनाना सरल है, लेकिन कल उस दिन की वर्षगांठ है जब हमें दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और बहुत से बंदी बना लिए गए। विराम। पैरा। तब हम यह दिन क्यों मनाते हैं? मेरा विचार है कि यह ठीक है कि हम यह दिन मनाते हैं, क्योंकि अपनी कमजोरियों और असफलताओं से सीखना उचित है, ताकि लोग उन कमजोरियों को ताकत में बदल सकें। पिछले वर्ष के इस दुखद अनुभव के बाद हम अपनी शक्ति, अपनी सैनिक शक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराम। किसी राष्ट्र की ताकत उसके दिलो दिमाग में सब खतरों का सामना करने के उसके पक्के इरादों में और राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा में होती है। भारत में हमारे समय में जो सबसे बहादुर व्यक्ति पैदा हुआ वह कौन था? महात्मा गांधी सबसे बहादुर व्यक्ति थे जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। वह हथियार इस्तेमाल करने वाले या दूसरों को दबाने वाले नहीं थे, लेकिन वह अपनी मन शक्ति में अजय थे और विश्वास करते थे कि कोई उन्हें दबा नहीं सकता था। विराम। लेकिन हम पूरी
तरह गांधी जी के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। विराम पैरा। अध्यक्ष जी, भारत में आज की स्थिति के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है। यदि हम ऐसा न करें तो कमजोर हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप हथियार संभाले या न संभाले, असली ताकत एकता में, इच्छा शक्ति और मन शक्ति में होती है। विराम। हथियार लेकर लड़ने के लिए भी राष्ट्र के कार्य, हिम्मत और एकता का सहारा आवश्यक है। विराम। यदि कोई देश संगठित है, यदि इसके लोगों में एकता है, तो कितने ही हथियार इसे नहीं जीत सकते। इसलिए जब हम अपनी सेना और वायु सेना को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको याद रखना चाहिए कि वास्तविक ताकत देश की एकता और हमारे परिश्रम से ही आएगी। विराम। मेरा विचार है, हमारे लोगों में वह बुनियादी एकता है। पिछले वर्ष संकट की घड़ी में हमने उसे देखा था, जब चीनियों ने हमारे देश पर हमला किया था, तो लोग कमर कस खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस खतरे का सामना करने की प्रतिज्ञा की थी। विराम। वह हिम्मत बढ़ाने वाला दृश्य था, लेकिन कुछ समय बाद जब फौरी खतरा टल गया, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, तो हमारे बहुत से लोग फिर आत्मसंतोष में डूब गए और खतरे को भूल गए। विराम। यद्यपि वह अभी भी बना हुआ था। विराम। उन्होंने अपने आप को आपसी लड़ाई झगड़ों, शिकायतों, नारेबाजी और इसी तरह की दूसरी चीज़ों में फंसा लिया। विराम। इससे पता चलता है कि यद्यपि हम मूलतः संगठित हैं और हम में ऐसा कुछ है जो खतरे के समय हमें खड़ा कर देता है, फिर भी जब खतरा उतना साफ नहीं लगता, तो हम ढीले पड़ जाते हैं और छोटे छोटे विचारों और विवादों में उलझ जाते हैं। विराम पैरा। चीनी खतरा हमारे सामने है। यह खतरा आने से भी पहले हमारे सामने गरीबी का वास्तविक खतरा था और अब भी है। हमें इस खतरे का भी उतना ही मजबूती और बहादुरी से सामना करना है, जैसे हम देश पर हमला करने वाली दुश्मन का सामना करते हैं। विराम। हम अपने राष्ट्र का निर्माण तब ही कर सकते हैं जब हम अपने लोगों को उन्नत करें और उन्हें खुश व संतुष्ट बनाएं। इसलिए फौरी खतरा समाप्त होने पर सुस्त पड़ जाने की आदत खराब है। विराम। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हमें
एकता की बात करनी चाहिए, पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की आनंद आशुलिप मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 5/6, गति 80 शब्द प्रति मिनट। आशा है आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।